अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हाँ फ्रेंड्स, आज किसी ने कमेंट किया था कि आप मुझे कृपया वो बुक सजेस्ट करें जो जो बच्चे नीट 2019 के एग्ज़ाम में अपियर होंगे उनके लिए क्या बुक सजेस्ट होना चाहिए, वो क्या करें एक साल के लिए। ठीक है, तो उनके लिए एक छोटा समय वीडियो उनके लिए है। सिर्फ देखिए, आपको भी NCERT करना है, क्योंकि NCERT तो सबको करना है। आप चाहे नीट इस बार दीजिए, अगले बार दीजिए, NCERT आपको अच्छे से करना है कि एक लाइन पढ़ना है। और NCERT कैसे पढ़ना है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि NCERT वाले वीडियो, उसको भी जरूर देखिए आप, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बुक यूज करना है, वो NCERT एट फिंगर टिप्स ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे तरफ से, क्योंकि उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन से दिए रहेंगे मैक्सिमम, तो आपको ज़्यादा दाएं बाएं नहीं भटकना पड़ेगा। बस समझ में नहीं, ज़्यादा दाएं बाएं नहीं भटकना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो कि नीट में आते हैं। दूसरा बुक, तीसरा बुक मैंने यहाँ लिखा है सेलेक्टेड चैप्टर्स फॉर मटेरियल। हाँ, जो कोचिंग के मटेरियल मिले हैं, जो क्लास नोट्स निकाल रहे हैं वो पढ़िए, क्योंकि आपके पास एक साल का समय है। ठीक है, उसको पढ़िए, लेकिन खासा फोकस करना है आपको जो टॉपिक्स मैंने अपने बायोलॉजी वाले वीडियो में बताया है कि उससे क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गए कुछ टॉपिक्स हैं, और भी दो टॉपिक्स हम मैंने बताया वहाँ पर, उसमें आपको थोड़ा अच्छे से मटेरियल्स फॉलो करना है। ठीक है, मटेरियल्स तो कुछ सब में पढ़िए थोड़ा थोड़ा, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने बताया उस पर तो एकदम स्पेशल कॉन्शियसनेस दीजिएगा आप। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो एम्स के हों या नीट के हों, या आपको जिपमर के कहीं से मिल जाए, BHU के मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, आप वो कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में इतना कीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप मटेरियल अच्छे से पढ़िए और डिटेल में उसके जाकर। फिर आते हैं फिजिक्स, जो सबसे मेन टॉपिक है मेरा आज का। फिजिक्स में NCERT कीजिए, NCERT के खासकर एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में जो MCQ क्वेश्चंस दिए उनको कीजिए। टाइम है तो टाइम है अच्छा खासा, तो आप पूरा कीजिए, क्योंकि 2019 में देना आपको एक साल टाइम है, तो आप NCERT पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो NCERT को अच्छे से फॉलो कीजिए, एग्जाम्पल और MCQ नहीं छूटना चाहिए, मेरा कहने का मेरा मतलब ये है। आप पूरा कीजिए या ना कीजिए एक्सरसाइज, उससे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका कम से कम MCQ बेस्ड जो एक्सरसाइज में दिया गया है और जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल, उनको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है भाइयों, फिर सेकंड में आते हैं मटेरियल करना। मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए उसका प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, वो जरूर कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट्स खुलेंगे फिजिक्स में। फिर जो तीसरा है वो मैंने जेई मेंस लिखा, जेई मेंस के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, 15 साल के, और इसका क्या फ़ायदा है मैंने जेई मेंस वाले वीडियो में डाला है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जेई मेंस का जरूर कीजिए एक बार, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, काफ़ी फायदेमंद होगा जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने थर्ड पॉइंट लिखा पहले ये, फिर जेई मेंस के। फिर आप आइए प्रीवियस ईयर्स एम्स नीट और अदर्स 2007 के बाद से करिए, इनका कीजिए। इतने प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 140 प्लस लाने की स्थिति में हो जाएगा, इतना यदि ईमानदारी से आप करते हैं तो। ईमानदारी से मैंने फिर बोला, ईमानदारी से करते इतना तो 140 प्लस आपका 100% गारंटीड है, मैं लिख के देता हूँ आपको। अब मान लीजिए कोई एम्स के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, और एम्स में अच्छा रैंक लाना चाहता है, और मैं चाहता है कि उसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन है मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, DC पांडे। DC पांडे का वो भी जो IIT वाली सीरीज आती है ना, वो उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने MCQ क्वेश्चन है वो कीजिए, और जो सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल खासा फोकस कीजिए, क्योंकि वो सॉल्व है तो आप फंसिएगा, तो देख सकते हैं वहाँ सॉल्व एग्जाम्पल, और जो MCQ बेस्ड है सिंपल क्वेश्चंस वो कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, उसके सब्जेक्टिव में जाइए, सब्जेक्टिव काफ़ी टफ होंगे, काफ़ी टाइम लेगा आपका। ठीक है, तो उसमें मत जाइए, उसमें मैं नहीं मना कर रहा हूँ उसमें जाने, लेकिन उसके सॉल्व एग्जाम्पल और MCQ कीजिए, काफ़ी टफ सवाल मिलेंगे, काफ़ी मतलब कि ट्रिकी सवाल मिलेंगे जो एम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एम्स एस्पिरेंट के लिए, वो भी एम्स एस्पिरेंट उनके लिए जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए आपको नीट में इससे कोई लेना देना, नीट के लिए ये जितना है ना ये मोर देन इनफ है, नीट के लिए ये चार चीज़ मोर देन इनफ है, ये कीजिए आप कम से कम, इतना कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, एम्स के लिए आपको यदि लगता ही नहीं और अच्छा करें, हम एम्स के लिए भी ये इनफ है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको टाइम बच गया, आपको लगता नहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं, तब आप DC पांडे का जो IIT सीरीज वाला है उसका कीजिए। ठीक है, उसमें भी आपको सब नहीं करना, मैंने बोला MCQ कीजिए और उसका सॉल्व एग्जाम्पल। फिर आते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आप NCERT कीजिए, पढ़िए अच्छे से, क्योंकि एक साल टाइम है आपके पास। मटेरियल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो जिस भी कोचिंग से आप जुड़े हैं उसका मटेरियल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ जेई मेंस के यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ भी एम्स नीट के अंदर से कीजिए, और यहाँ आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए तो आप जेई एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए, वो भी सिर्फ MCQ बेस्ड, जो सब्जेक्टिव आते हैं तो वो नहीं, सब्जेक्टिव नहीं करना। मैं फिर बोल दूँ आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स जेई मेंस जेई एडवांस के नहीं करने हैं आपको, सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यदि आपको और एक्स्ट्रा चाहते हैं कि और मेरा अच्छा हो सब्जेक्ट पर कंट्रोल बढ़े, तो ये एम्स के लिए होगा। ठीक है, नीट के लिए मोर देन इनफ इतना, नीट के लिए ये मोर देन इनफ, फिर से कर रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, नीट के लिए ये मोर देन इनफ, ये सिर्फ एम्स के लिए, एम्स के लिए ज़्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे पढ़ने से एम्स में नहीं आएगा, इससे पढ़ने से एम्स कवर हो जाएगा, लेकिन इससे पढ़ने से आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इतना फॉलो कीजिए ये बुक सब, और दाएं बाएं मत भटकिए।